Hi, good evening friends, welcome to my YouTube channel. Today we'll learn about how to insert the data into the column. Okay, how to insert the data into the column and how it is possible, what is the syntax for that, how it will execute. Lot of challenges we are facing on this scenarios. Okay, एंड बहुत कुछ एरर भी हमको मिलेगा देख में, कुछ जान खुद भी जान बूझ के आपको एरर थ्रो कराऊंगा एंड वो एरर को भी कैसे रिजोल्व कराऊंगा वो बता दूंगा, ठीक है। मैंने देखे पहले पिछले वीडियो में तो हम बहुत कुछ सीखा था, ठीक है, बहुत कुछ सीखा था। मीन्स क्या क्या सीखा था, डाटाबेस कैसे क्रिएट करना, मल्टीपल डाटाबेस कैसे क्रिएट करना एक साथ, एंड टेबल कैसे बनाना सीखा था हमने, एंड कॉलम भी कैसे बनाना सीखा था हमने। मैं कॉन्स्टेंट सीखा था, कॉन्स्टेंट कैसे रहे दिया है, एंड अब डेटा टाइप कैसे दिया है वो भी सिखाया था, वैल्यू किधर से क्या क्या वैल्यू देना है वो भी सिखाया था हमने, बेसिक को सीखा था, एंड वो टेबल को कैसे यूज करना, वो डाटाबेस कैसे यूज करना वो हम सीखा था, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं सीखे थे, बेसिक सब कुछ सीखा था, ठीक है भैया। तो आज मैं वो टेबल जो बनाया हूँ, वो जिससे टेबल का कलम दिख रहा होगा आपको नीचे, वो टेबल का कलम है, वो सब कलम है, तो वो कॉलम में मैं कैसे डाटा इंसर्ट करूँ, ठीक है, आपको वो सिंटेक्स यूज़ करूँगा। वो जो सिंटेक्स मैं लगाया हूँ, सिलेक्ट सिंटेक्स आपको बता दिया हूँ, सिलेक्ट सिंटेक्स आप यूज़ कर सकते हैं आपका टेबल देखने के लिए, न्यूज टेबल देखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो उसको, यूज़ करेंगे तो सेम आएगा, ठीक है, सेम एरर, सेम आपको वैल्यू आउटपुट मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा, ठीक है भैया। तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आप इसको ऑन कमेंट भी ऐसे कर सकते हो, ऑन कमेंट ऐसे कर सकते हो, नहीं तो दो तरीका कमेंट होता है, ऐसे स्टार लगा सकते हो, ठीक है, इसको डबल कमेंट करते हैं, उसको सिंगल कमेंट बोलते हैं ऐसे ऐसे बोलते हैं कमेंट। ओके, कमेंट करना मीन्स हाइड करना, मीन्स वो हमारा नहीं कोई एग्जीक्यूट नहीं करेगा उस कमेंट को, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर पता लगा लेगा सिंपल देखे कि वो कमेंट है, उसको हम वो कमेंट जितना सारा कुछ कमेंट होगा ना हम ऑपरेट करेंगे ना वो टाइम पे कमेंट हमको काम आता है, ठीक है। वो आगे देखते हैं, अभी हम फिलहाल बात कर लेंगे हम वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे हमारा टेबल डाटाबेस टेबल का अंदर। टेबल अभी हम कॉलम सिर्फ कॉलम ही है और कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिखा है, तो अभी धीरे धीरे सब कुछ दिखेगा आपको। तो इंसर्ट इनटू कमांड है, एंड टेबल नेम वैल्यूज वो कमांड, वो सिंटेक्स है हमारा वैल्यू को टेबल का अंदर लेके आने के लिए, वैल्यू को कमांड इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए टेबल का अंदर इंसर्ट इनटू एंड हमारा टेबल का नेम देंगे एंड वैल्यू देंगे कि हम वैल्यू दे रहे हैं, उसके बाद वैल्यू डिफाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देंगे ई आई डी, पहले हम देख के भी करना पड़ेगा, देखिए सपोज आपको नहीं पता आप बिगिनर हो, मैं ऐसे भी आप कर सकते हैं कि ई आई डी इंटीजर दिया है, इंटीजर मीन्स एक नंबर होता है, 01 देंगे हम, एंड प्राइमरी की है, प्राइमरी की वैल्यू, प्राइमरी ये क्या है, कांस्टेंट प्राइमरी की एक कांस्टेंट है, इंट एक डाटा टाइप है, जब इधर क्लिक कर रहा हूँ तो डाटा टाइप इंट आ रहा है। पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था बहुत ईजी आसानी से, नहीं पता होगा तो देख लो समझ आ जाएगा। प्राइमरी की है, यूनिक वैल्यू है, नॉट नल वैल्यू मीन्स, नॉट नल मीन्स आपको सुन रहे तो क्या लग रहा है, नॉट नल पीछे दिया हूँ, देखो पीछे दिया हूँ, इधर नॉट नल लिखा हूँ, नॉट नल मीन्स क्या है, तो नॉट नल खाली नहीं हो सकता, ठीक है, इधर ऐसे नॉल लिखूँगा तो नॉल है मीन्स खाली हो सकता है ना, खाली, तो इधर नॉट नल लिखा मीन्स खाली नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्राइमरी वैल्यू है, वो प्राइमरी वैल्यू है, तो फिर जस्ट मिनट फोन आ रहा है, तो प्राइमरी की मीन्स यूनिक वैल्यू है, यूनिक मीन्स वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, तो
आईडी एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं हो सकता है, पता है आपको, बोला था सब कुछ बोला था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो इधर देखूंगा 01, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पिछले वीडियो देख लो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे ज़्यादा। तो आईडी दिया हूँ, नेम दिया हूँ, उसके बाद कमा दिया हूँ। नेम हमेशा भर कर होता है, पता है स्ट्रिंग में रहता है, स्ट्रिंग रहेगा तो हमको कैसे रहना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा। सपोज लिखूँगा परेश, अपने आप कर रहे हो तो अपना नाम आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आप मेरे को फॉलो करोगे। तो डिपार्टमेंट ने भर कर दिया हूँ, डिपार्टमेंट भी सेम रहेगा, भर कर में स्ट्रिंग का अंदर रहेगा। मेरा डिपार्टमेंट टेक है, टेक्नोलॉजी में हूँ मैं, फिर कमा दे दूँगा। एंड ऐसे लिख कर सकते हो, एम्प्लॉय नंबर, ई नंबर दिया हूँ, ई नंबर क्या दिया हूँ, बिग इंटीजर। अब इंटीजर बिग इंटीजर सेम ही है, थोड़ा बड़ा हो सकता है। नंबर दिया हूँ, इधर मैं नंबर ही लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी ऐसे लिख देता हूँ नंबर 777777 ऐसा, ठीक है। उसके बाद सैलरी देंगे, सैलरी ऐसे में किया हूँ, दिया हूँ चेक का कंस्ट्री लगाया हूँ, चेक में 5,000 का बिलो नहीं जा सकता मैं 300 कर देता हूँ सैलरी, है ना, 300 कर देता हूँ। एंड बाई डिफॉल्ट मैं सपोज दे लूँगा, डिफॉल्ट कर दो, डिफॉल्ट डिफॉल्ट, ठीक है, ऐसे मैं इंसर्ट करूँगा। बड़े एरर थ्रो करेगा, मुझे पता है, अब बोला था ना एरर थ्रो करेगा, क्यों एरर थ्रो करेगा, एरर क्या है हमें बताया, हम एरर आएगा तो हमको सीखने को मिलेगा, बट एरर क्या है मुझे पता है, अच्छा आसानी से मैं कर दूंगा आपको, ठीक है, समझा देता हूँ। एंड आप भी कन्फ्यूज मत है ना कि पहला प्रोग्राम राइट कर रहा है परेश एरर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, एरर आएगा तो आपको सीखने को मिलेगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी पढ़ के नहीं आया हूँ, सब कुछ मैं भी सीख के आपको बता रहा हूँ। एंड एरर आएगा तो सीखने को मिलेगा, जल्दी सीखेगा, अच्छा है, ठीक है। इधर क्या एरर आया है मैं आपको समझा देता हूँ, जो जिसको समझा में समझने में आता है उसको अच्छा है, नहीं समझ में आता है तो मैं समझा देता हूँ। इंसर्ट क्वेरी तो सब कुछ है, वो तो सही बात है। एंड इतना इतना तक तो हमारा सही, इतना तक तो हमारा सही सही सब कुछ सही है, इतना तक है ना, मीन्स इधर से इतना तक हमारा सही है, इधर एरर इधर है। स्ट्रिंग और बाइनरी डाटा वुड बी ट्रंकेटेड इन टेबल कॉलम ई सी टी जो दिया है ना हमने, ट्रंकेट भी वन वैल्यू दिया है, तो भैर कर इधर हमने दिया है, भैर कर कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो भैर कर वन ले लिया ऑटोमेटिकली, वो डिफॉल्ट है। तो इधर दिया है भैर कर 20 वैल्यू डिफाइन किया है, 10, इधर भैर कर कुछ नहीं दिया है हमने, भैर कर एटलीस्ट 5 दे देते तो 5 नाम हम डाल सकते थे, तो भैर कर हुआ हाँ सिर्फ लिख के छोड़ दिया, तो वन वैल्यू लेगा वो, वन ऑटोमेटिकली वन लेगा। डिफॉल्ट बेंगलुरु दिया है, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, डिफॉल्ट नहीं लेगा वो, देखेंगे तो भी नहीं लेगा। जब नॉट नॉट लिखते तो हम तो ऑटोमेटिकली बेंगलोर हो जाता, तो अभी क्या करना पड़ेगा हमको, इधर करेंगे डी मीन्स दिल्ली, ऐसा हमको लिखना पड़ता है, तो फिर वो स्ट्रिंग का अंदर रखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, इजी है MS SQL। वन एरर इफेक्ट, वन रो इफेक्ट, देखा, तो वरना इशू रिजल्व हो जाएगा जल्दी, कोई टेंशन मत लेना, कॉलेज से तुम्हारे साथ जितना इशू रिजल्व करोगे उतना सीखने को मिलेगा, मैं पहले से बता देता हूँ, गलत मत सोचना, पहले पहले इशू एरर आ रहा है। एक तो हमने क्वेरी चला दिया, रो भी इफेक्ट हो गया, देखते हैं डाटा कौन सा फॉर्मेट रहता है, उसको कमेंट किया था अनकमेंट कर देते हैं, उसके बाद क्रिएट कर दिया। देखो हमारा परेश एम्प्लॉय आई डी 1 है, परेश एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट टैग है, मोबाइल नंबर इतना है, सैलरी इसका पॉट है 300 है, टेंशन नहीं ज़्यादा है भाई मेरा। एंड एम्प्लॉय है डी, दिल्ली लोकेशन में है, बट मैं बेंगलुरु लोकेशन में हूँ, सॉरी झूल बोल दिया, कोई बात नहीं। इधर 1 डाल दिया था हमने, अभी 2 डालेंगे, मल्टीपल कैसे करेंगे, 1 तो कर दिया, मल्टीपल करेंगे अभी 2, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, वहाँ नहीं डाल सकते क्योंकि प्राइमरी हमने किया था ना, इधर परेश दिया था, इधर पुनू लिखा हूँ, इधर रबी पूनम माई फ्रेंड, वो सब मेरा फ्रेंड लोग है, विश्व रबी भी टेक में है, बट उसको सर्च कर देता हूँ, पूनम एचआर कर देता हूँ उसको,
कर देता हूँ, नंबर चेंज कर देता हूँ, देखने की जरूरत है। आठ हजार दे देगा तो अलग रहेगा, ठीक है। जिधर भी जाएंगे हम एरर ही भाई मिलेगा हमको, कि हम एरर से आया है। इसका घर पूनम का घर नेपाल, विश्व का घर कर देता हूँ उड़ीसा, रवि का घर वाला मुंबई, अरिजनल सबका घर है, ठीक है। फिर उसका ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही सिंटेक्स से रो हो गया इनसेट। फिर वही कमांड देंगे, सिलेक्ट कमांड हम यूज़ करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू वैल्यू लॉग इन, तो सारा कॉलम का वैल्यू इनपुट हो गया। देखा वैल्यू कैसे हमने किया, इधर हम स्टार दिया है, सब स्टार बिना देख के हम करेंगे ई आई डी यूज़ करूँगा। तो मेरे किस आउट कैसे मिलेगा, आउटपुट मिलेगा सिर्फ ई आई डी का ही मिलेगा, है ना। सब कमा दूँगा एंड ई सिटी करूँगा, ई सैलरी करूँगा, ई सैलरी टाप दबा दूँगा एंड ई ई नंबर ई नेम टाप दबा दूँगा। फिर सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँगा, आउटपुट इतना ही मिलेगा, जितना दबाएंगे उतना ही मिलेगा। स्टार दबा देंगे तो इसको सबको हटा के स्टार दबा देंगे तो क्या कर मिलेगा हमको, सब कुछ मिलेगा। तो हमको वो आसान है, तो हम वो करेंगे। थैंक यू सो मच। वो आपको सिखा दिया वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कमांड भी सिखा दिया, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो बेसिक चीज़ सिखा दिया। और एक उसका मेथड है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी सिखा दूँगा। एंड हम धीरे धीरे अभी हमारा वॉल्यूम स्पीड करेंगे, वीडियो भी थोड़ा स्पीड अपलोड करूँगा मैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ़।